दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही अजीब है कि न्यूट्रॉन के जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन सेम चार्ज के होते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि सेम चार्ज कभी भी साथ साथ नहीं रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके पीछे रीज़न है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक निगेटिव पाई मीजोन बनाता है और एक प्रोटॉन बनाता है। ये निगेटिव पाई मीजोन जो है वो प्रोटॉन, चार प्रोटॉन, पांच प्रोटॉन जो भी है, उन प्रोटॉनों के बीच में बैठ जाता है नेगेटिव चार्ज, उनको अट्रैक्ट करता रहता है अपनी तरफ, यानी कि एक बिल्कुल तमाशबीन की तरह लगा रहता है। ये तमाशबीन वो है जो भीड़ को इकट्ठा करा रहता है। उसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज पाइमिजोन है, ये नेगेटिवली चार्ज पाइमिजोन प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। प्रोटॉन इसी वजह से आपस